रमजान में जो इफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया है आज उसी से रिलेटेड एक और व्लॉग आपके साथ शेयर करता हूं मैं। आज के दिन जो है वो प्लान किया था स्कूल में इफ्तारी देने का, और स्कूल में एक तो स्कूल की तरफ से भी थोड़ा सा जो है वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे, और थोड़ा सा जो है वो मिल बांट के कर रहे हैं हम सब मिक्स करके। तो इसमें हमारे स्टाफ भी जो है इंक्लूड है, इसमें और भी बहुत सारे गेस्ट इंक्लूड होंगे, और इसमें हमने वैसे भी इफ्तारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इसमें ये बहुत बड़ी एक गैदरिंग होने वाली है इंशाल्लाह, आज बहुत मजा आने वाला है। फिर से एक दफा आप लोग देखेंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे, आप लोग को मैंने सारी तैयारियां सारा कुछ जो है वो अपने साथ साथ दिखाना है कि किस तरह से सारा अरेंजमेंट्स वगैरह किए हैं, कहाँ कहाँ क्या किया है। उसके अलावा दूसरी ये चीज़ है कि इफ्तारी टाइम पे जो है इंशाल्लाह जमात भी होगी हमारी, और उसमें एक छोटा सा खुतबा भी होगा, इस्लामी खुतबा जिसके होता है, उसके लिए सारा सिस्टम वगैरह भी मंगवाएंगे हम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो जो खाना वगैरह होगा मेन्यू होगा वो सब आपके साथ शेयर करना है, वो आपने देखते रहना है। आप लोगों को वीडियो जरूर इंशाल्लाह पसंद आएगी, आप लोगों ने लाइक करके बताना है और कमेंट भी नीचे जरूर करना है, और दूसरा आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइबर्स मेरे कम हैं और व्यूअर्स ज़्यादा आते हैं, तो इट मींस के जो व्यू करते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी करें जरूर और सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह मजा आने वाला है। तो देखें जी क्या होता है आज। ये जी क्यूट वाले टीचर एक बार फिर से हमेशा इधर ही होते हैं, ये भी एक है हमारा शोशा, ये बड़ा प्यारा बच्चा है अपना, काम करते हैं यहाँ पर। चले अपनी सीट पर चल के बैठते हैं जरा। नहीं जी अपनी जगह पे बैठते हैं, वो ताहिर साहब बैठे हुए हैं, वो पीछे साथ ही बैठे हुए हैं, ये हमेशा इधर ऑफिस में रहते हैं, जरा ये कि बोर नहीं होने देते, शुगर लगा रहता है, बड़ा मजा आता है। ताहिर साहब आज रेडी है फिर आप? जी इंशाल्लाह आज फिर जीतेंगे हम। हाँ भाई आज मैच भी है, वो तो मैं बताने ही भूल गया, बहुत अच्छा है आशीर्वाद यार, देखिए फायदा हो गया ताहिर साहब को लाने का। आज फिर से मैच है, उसका रिजल्ट भी आप लोग के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूंगा मैं। एक तो मैंने कहा व्लॉग एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आज इफ्तारी बहुत बड़ी हम देने वाले हैं, वो एक बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का कर्म होने वाला है, और आज मैच भी है, तो वो सब आज मजा आने वाला है फिर से। तो आपने साथ जुड़े रहना है, बस देखते रहना है। यहाँ पर ये साउंड सिस्टम भी सारा आ गया है इंशाल्लाह, इसमें मगरिब की नमाज यहाँ पर होगी जमात के साथ, और खुतबा भी एक छोटा सा होगा। तो यहाँ पर इंशाल्लाह प्लान बना है सारा, यहाँ पर सेटिंग करेंगे, केटरिंग वाले आएंगे प्रॉपर, यहाँ पर जो है वो सारी अरेंजमेंट करनी है हमने। ये हॉल काफ़ी ज़्यादा हमारे पास स्पेशियस है, तो यहाँ पर इंशाल्लाह सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। तो अभी जैसे ही वो आएंगे तो वो भी मैं आप लोग को दिखा दूँ। हमारे एक और फिजिक्स के सीनियर टीचर है जका साहब, ये आपको पहली बार नजर आ रहे होंगे, कैसे हैं जका साहब? बेहतरीन सर, आप कैसे? आज आप तैयार हैं फिर इफ्तारी के लिए? ये हसनैन साहब आज फिर से आ गए माशाल्लाह, और वाइट पहन के आया हमारा ड्रेस कोड, और ये हमारे टीचर आ गए बस। केटरिंग का भी सारा सामान जो है वो आ गया, अभी ये सबको सेट करके फिर आपको दिखाते हैं कैसे है। ये हमारे एक और क्यूट आ गए दोस्त, सामान भी लेके आए, चले जी सामान दिखाते हैं। अच्छा जी ये देखें, ये खरबूजा है, इसमें स्ट्रॉबेरी आई है, फिर केले हैं, रूबजा ये बड़ा ही लाना पड़ा था, फिर इसमें चीनी वगैरह सारी चीज़ें अभी यहाँ पर रेडी भी करनी है, चाय का सामान है सारा, टिशू केटरिंग, और लीमू भी है, लीमू पानी भी बनाएंगे, तो ये सारा सामान है, बाकी भी साथ साथ ऐसा ऐसा सामान आ रहा है तो दिखाते हैं आपको। ये माशाल्लाह से देखें मेहनतें हो रही हैं, मेहनतें हैं अब्दुल्ला साहब, जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपको अजर कितना मिलने वाला है। ओए ध्यान से चले जी, माशाल्लाह जब इस तरह का इवेंट होता है ना सब काम करते हैं खुल के, कोई इसमें टेंशन नहीं होती, कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये हमने वहां पर जगह खुली करने के लिए टेबल हटाया है ताकि यहाँ पर ना मजीद जगह हो जाएगी, और माशाल्लाह से मेहमान आज बहुत ज्यादा इंशाल्लाह गैदरिंग होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे स्कूल में इफ्तारी है, ये हमारे डायरेक्टर साहब इस वक्त खुद पोजीशन ले चुके हैं। आप सर क्या कर रहे हैं? लीमू, हाँ लीमू को निचोड़े हैं, और ये हमारा नहीं सर वीलॉग तो हमेशा सर, ये हमारे कासिम साहब हैं जो कि इस यूट्यूब चैनल के मालिक भी हैं, और साथ साथ हमारे इस अफ्तार के जो हैं वो मेन जो इंतजामी के जो हेड हैं वो ये भी यही हैं, और ये सर यकी प्रकीन की है आज फिर से मुझे आगे पीपी लगा रहा है। और दूसरा ये बड़े क्यूट तरीके से वो काट रहे हैं, देखे ना बड़ी क्यूट क्यूट इनकी काशें हैं, ये जो बना है ना वीडियो पे बस ये बन रही है, ये भी हाँ जी ओके लाफ्स। कटिंग हो गई है सारी, बड़ी मेहनत लगी है कटिंग करने में, तो अब जूस वगैरह भी बन रहा है, शरबत
लिम्बू पानी बनेगा इसमें। इसी तरह से इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी जैसे जैसे आती हैं आपको दिखाते हैं। देखे काम कर रहे हैं, सारे टीचर लाल लगे हुए माशाल्लाह से, ये लेके जा रहे हैं पहली प्लेट लेके जा रहे हैं। सारी मेहनत हो रही है, ऊपर साहब तो ब्लॉग बनाने में लगे हुए हैं, बाकी के बाद में भी हमारे आगे के लेके सारे 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 पकोड़े लग रहे हैं। उमर साहब सेट वो जाम में भी पड़े वाले यार, इधर से लेके जाने थे नीचे लेके जाओ। ये हमारी बिरयानी की देग आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आपको मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, अभी हम चलते हैं जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, ये जो हमने पार्सल्स बना लिए हैं ना, अब इसमें चावल भी हैं, फ्रूट भी है, और इसमें पकोड़े समोसे भी रखे हैं। ठीक है, आपको जैसे मैंने कहा था ग्रैंड इफ्तारी और ग्रैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारी इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आज हमने जो है वो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको तैयार कर दिया। ये आप देखें क्लिप आपको नज़र आ रहा होगा, और उसके अलावा हम इंशाल्लाह इफ्तारी भी ग्रैंड करेंगे। तो चले आए जी, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये सारा सेट कर रहे हैं, ताहिर साहब भी हैं, उमर साहब भी हैं, सब मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त आज जो है ना वो सिस्टम चल रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पर इतना है, और फिर बाद में इंशाल्लाह चावल वगैरह भी आ जाएंगे, खजूरें भी लानी है, अभी मैं करता हूँ वो सेट, और फिर ऊपर जाके भी दिखाते हैं आपको। बेहतरीन पानी भी तैयार हो रहा है, कुछ लोग चखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये सारी खजूरें वगैरह अलग करनी है, टाइम कम है, अभी आपको दिखाते हैं। ये इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा, अकेले इसने निपटाया सारा काम। वेरी थैंक यू फॉर यूनिक पूरी टीम को, स्पेशली कसम साहब को, और अच्छा अरेंजमेंट था। थैंक यू, थैंक यू सर। पकड़ लिया हमने इनको, ये सारे हमारे बैठे हुए हैं, वकार साहब, आतिफ साहब, सदाकत साहब, और ये जका साहब, ये फिजिक्स के हमारे हैं, ये भी हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, ये एकेडमी के हैं, वो स्कूल के हैं। ये हम बेड लगवा रहे हैं, आप सब के लिए बेड लगवाने लगे। क्यों? वो देखिए बैठे कैसे हैं। कैसा लगा आपको आज इफ्तार? इन्होंने इतना ज्यादा खाया है। अच्छा, क्या अब लेट गए हैं खाने के लिए तो लेटा दिया। वैसे आतिफ साहब कभी ऐसे लेटते नहीं थे, है ना? अभी लेटे। आतिफ साहब कैसा लग रहा है इतना खा के? ये देखिए जरा, इधर इधर फोकस करें, आपने तो इधर संभाल के भी रखा हुआ आपने ये सब। इनकी जेब भी चेक करें, आतिफ साहब जेब चेक, जेब चेक करें। يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
कासिम साहब क्या हाल है? नहीं सर, कैसे हो सकते मैं होंगे? ये बाप है, ठीक है, और ये भी एक अदद स्कूल में थोड़े से शराकत दार है, तो आज की इफ्तारी में अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी हाथ है। क्या बना आज? आज वी आर विनिंग। अभी जा रही है ना, सब चीज जीत गए, अभी चल रही है ना इनिंग। क्या हुआ आज? आज के विनर हम यार, क्या हुआ आज? इतनी उदासी क्यों है, खुशी क्यों नहीं है? आज हुर्रम पोपो भी हुआ है। आज हमारे मुखालिफ टीम के साथ हुर्रम पोपो शकला का बूम बूम हुआ है मैच में। असल में आप लोग ये सरप्राइज जो चाइना मैन लाए थे ना, और जापान मैन की डेब्यू विकेट, मेडन विकेट, फर्स्ट बॉल, फर्स्ट विकेट, बड़ा बुरा डेब्यू मैच में चाइना मैन। हाँ जी, चाइना मैन बॉल करवाता हूँ मैं अभी, सोलह करता कासिम भाई को मौका भी मिला था मैच विन करवाने का जो है वो 3-0 से। जी आप लोगों ने देखा होगा कैसा नतीजा निकला हमारा आज का स्पोर्ट्स का जो मैच हुआ है, तो बुरी शिकस्त हुई यार थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, पार्ट ऑफ गेम है। हम फिर भी जो है वो हार नहीं मानेंगे, दोबारा से इंशाल्लाह जाएंगे और खेलेंगे और वी विल कम बैक, दोबारा से कम बैक करेंगे कुछ। वैसे भी आज का दिन बहुत थकावट, बहुत हैक्टिक डे था, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किया सारा। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ है, बहुत ज़बरदस्त दिन रहा है, बड़ी खुशी हुई है, बड़ी इफ्तारी की है ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया है, डिस्ट्रीब्यूशन की है बहुत ज़्यादा, तो बड़ी खुशी हुई है दिल को, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बाकी ये है कि कुछ रमज़ान की वजह से एनर्जी भी लो है, तो रमज़ान के बाद देखें जब मैच होता है इंशाल्लाह, तो देखें क्या होता है इनका हाल मुखालिफ टीम का। उसके अलावा आज सब जा भी रहे हैं, छुट्टियां हो गई हैं ईद की, तो सब जा भी रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा वो भी था, थोड़ा जल्दी भी थी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना ये करके, तो आज फाइनली खैर। अब जो है एंड पे थोड़ा सा एक आपको दिखाना है, एक और मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है वो जा रहा है केपी के, और वो जा रहा है शादी पे, मतलब शादी अपनी पे, उसकी शादी हो गई है, तो उसकी शादी का भी व्लॉग जो है वो इनके साथ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा मैं, और थोड़ा सा बस मैं उसको दिखाता हूँ आपको, गुड बाय करते हैं उसको, और फिर इंशाल्लाह जो है यहाँ से वीडियो एंड करते हैं। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करते रहना है, ठीक है? अभी आपको चले मैं दिखाता हूँ वो दोस्त, और उस पर हम व्लॉग एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। ले जी ये है हमारा दोस्त जो के जा रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।